a new chapter in science, chapter 4, sorting materials into groups. Objects, anything that we can see, जो आसपास हमारे दिखाई दे रहा है और टच जिसको छू सके हम इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट. जैसे ये ऑब्जेक्ट है ब्लैक बोर्ड, बुक इज एन ऑब्जेक्ट, दिस पेन इज एन ऑब्जेक्ट. ऑल ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट इन शेप, साइज अलग होगा, कलर अलग होगा एंड मेनी एस्पेक्ट्स, और बहुत सारी चीजों में वो अलग होंगे. टू स्टडी ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, वेराइटी बहुत ज्यादा है. हाउ टू स्टडी देम, वी नीड टू क्लासीफाई देम. उनको हम क्लासीफाई करेंगे, ग्रुप्स में सॉर्ट करेंगे. सॉर्ट मतलब अलग अलग ग्रुप्स में उनको फॉर्म कर देना. जैसे आपको ध्यान होगा, केमिस्ट शॉप पे अगर आप जाएं या ग्रोसरी शॉप पे जाएं तो कोई भी दवाई मांगते हैं आप, तो वो जाता है और लेके आ जाता है. तो कैसे लाता है, क्योंकि उसने उन चीजों को ग्रुप वाइज रखा हुआ है, कंपनी वाइज रखा हुआ है, या मान लो सॉल्ट वाइज रखा हुआ है. तो हर चीज उसने अरेंज की हुई है, तो जैसे ही आप कुछ मांगते हैं वो जाके ले आता है. सो देयरफॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ग्रोसरी शॉप का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया. ग्रुपिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन मतलब अलग अलग ग्रुप्स में उनको संभाल कर रखना. क्यों करते हैं क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, इट हेल्प्स, ये हेल्प करता है हमें इन सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो कल को अगर मान लो एक पर्टिकुलर ग्रुप की चीजों को स्टडी करनी हो आपको, तो आपको इजी हो जाएगा. इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन एंड लोकेटिंग थिंग्स. लोकेटिंग पहचानना, और जैसे केमिस्ट्री की दुकान से उसे पहचाना और आपके लिए आइडेंटिफाई की ये वाली चीज चाहिए, इवन एक ग्रुप में भी. इट हेल्प्स टू स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन वन कैटेगरी, एक ही पर्टिकुलर कैटेगरी में उसकी आप जो स्टडी करते हैं. एंड ऑब्जर्व पैटर्न्स, पैटर्न मतलब क्या उनमें एक जैसी चीजें हैं, कैसे कैसे वो डिफरेंट हैं इन दीज प्रॉपर्टीज. नंबर फोर, इट हेल्प्स अस टू नो हाउ मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप, एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो आपस में कैसे एक जैसे हैं और दूसरे ग्रुप से वो कैसे डिफरेंट है. मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द अदर ग्रुप्स. अब मटेरियल्स आ गया. अ सब्सटेंस और अ थिंग दैट इज यूज्ड इन मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ मटेरियल. जैसे हम लोग चेयर बनानी हो तो वुड ले सकते हैं, प्लास्टिक मटेरियल ले सकते हैं, स्पून बनाना हो तो स्टील ले सकते हैं, ब्रास ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं, शर्ट बनानी हो तो कॉटन ले सकते हैं और सिल्क मटेरियल ले सकते हैं. सो दीज आर, चेयर के लिए वुड जो है वो मटेरियल है, प्लास्टिक जो है वो मटेरियल है. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम सेम मटेरियल, एक ही मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. जैसे प्लास्टिक इज अ मटेरियल, वी कैन मेक टॉयज, खेलने के बच्चों के यूटेंसिल्स, बर्तन, बैग्स, मग्स, बकेट्स, टूथब्रश और इवन शेविंग ब्रशेस फ्रॉम इट, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. तो एक ही मटेरियल से बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, और एक ही ऑब्जेक्ट में, एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी मटेरियल. जैसे बिस्किट बनाना हो तो आपको मैदा, शुगर, घी, मिल्क, कड़ी यानी कि अपनी दाल की कड़ी बनानी हो या वो पनीर की कड़ी बनानी हो तो क्या चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, सॉल्ट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, मसाले और घी चाहिए. जैसे आप कंक्रीट बनाते हैं लोग बिल्डिंग बनाने के लिए, तो उसमें क्या क्या डालते हैं, सीमेंट, सैंड, ग्रेवल, छोटे छोटे पत्थर, वाटर डालते हैं. कंक्लूजन, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम सेम मटेरियल. सिमिलरली सेम ऑब्जेक्ट मे बी कंटेनिंग या मे मेड फ्रॉम मेनी मटेरियल.